देखिए, शिक्षा जो है किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होती है, एजुकेशन। और इतिहास गवाह है कि जितने भी तमाम इस दुनिया के अंदर जो भी देश आज़ाद हुए, चाहे वियतनाम से लेकर के, चाइना से लेकर के, यूरोप की कंट्रियाँ, उन तमाम कंट्रियों ने सबसे पहले अपने देश में शिक्षा का एक माहौल बनाया और शिक्षा के लिए अभियान चलाए। शुरुआती दौर में शिक्षा को उन्होंने चला कर, उसके बाद फिर आगे की तरक्की, विकास की तरफ बढ़े। मगर दुर्भाग्य की बात यह है कि 1990 के बाद इस देश में शिक्षा का जो निजीकरण हुआ, व्यवसायीकरण हुआ, उसके बाद जानबूझ करके इस देश की शिक्षा को ख़त्म किया गया। उसका कारण ये था कि यहाँ पर जो ये जो भेदभावी जाति व्यवस्था है इस देश के अंदर, उस देश की जाति व्यवस्था इस देश के सारे विकास, शिक्षा, हर चीज़ के अंदर आड़े आ रही है। और आज जो मौजूदा परिस्थितियाँ हैं उसमें एजुकेशन की यह हालत हो गई है कि चलो सरकारी स्कूल तो आपने ख़त्म कर दिए, लेकिन साथ में आपने जो शिक्षक, जो आपने गेस्ट टीचर रखे, मेहमान टीचर, आपने शिक्षा मित्र रखे हैं, अब वो ठेके पर काम कर रहे हैं, उनको अपनी नौकरी की चिंता है, आए दिन वो धरना प्रदर्शन में लगे रहते हैं। अब वो जो जिस देश के शिक्षक गेस्ट होंगे, जिस देश के शिक्षक मेहमान या मित्र होंगे, तो उसकी शिक्षा भी उस देश की मित्र ही होगी और मेहमान ही होगी। आज आप ये देखिए, आए दिन इस देश के अंदर जो घटनाएं हो रही हैं वो शिक्षा के कमी की वजह से हो रही है कि लोग अपने आप ही कानून को हाथ में ले लेते हैं। उनको पता ही नहीं है, चाहे भीड़ लोगों को मारने की बात हो, चाहे लाल बत्ती क्रॉस करने की बात हो, चाहे वो ट्रैफिक नियम या दूसरे कानूनों को फॉलो करने की बात हो, हर आदमी, क्योंकि उनको बेसिक शिक्षा नहीं है और शिक्षा लोग पूरे शिक्षित नहीं है इस देश के अंदर। और जो 1990 के बाद शिक्षा बर्बाद की, तो आज तो बिल्कुल शिक्षा ख़त्म ही हो गई है। और जो प्राइवेट सेक्टर की शिक्षा है वो यहाँ पर रॉबर्ट बना रही है, जो रॉबर्ट पैकेज के लिए काम करते हैं कि उनको कुछ इंजीनियर बन रहा है, कुछ कुछ बन रहा है, वो देश के नागरिक नहीं बन रहे हैं, वो उनको खाली बनना है, पैकेजेस लेने हैं, उनको किसी को कंप्यूटर साइंस का कुछ मास्टर बनना है, किसी को कुछ बनना है, विदेशों में जाना है, आईटी सेक्टर में काम करने हैं, पैकेज लेने हैं। तो इस देश की शिक्षा जब बिकाऊ हो गई और इस देश के लोग जब पैसा दे के शिक्षा लेंगे, तो वो नौजवान ये समझेगा कि भाई मुझे अब ये पैसा अपने माँ बाप का वापस करना है। इस देश के डॉक्टर जब बन रहे हैं 30-30, 40-40 करोड़ रुपये खर्च करके, तो वो ईमानदारी से कैसे काम करेंगे? वो तो आपके फिर वहाँ पर जा करके गुर्दे फेंफड़े बेच बेच करके अपने पैसे कमाएंगे, बेईमानी से काम करेंगे। हमने देखा कि पीछे फिल्में आती थी बलराज सानी जी की, जिसमें वो मास्टर हैं और वो डॉक्टर बनते हैं और गांव में जाते हैं समाज सेवा करने, उस समय डॉक्टर फ्री पैदा होते थे। आज चाइना फ्री डॉक्टर पैदा करता है, फ्री इंजीनियर पैदा करता है, तो वहाँ के लोग काम करते हैं उनके लिए। और हमारे लोग यहाँ पर 40 करोड़ रुपये दे के एक डॉक्टर बन रहा है और 10 करोड़ रुपये के इंजीनियर बन रहा है, तो कैसे देश के लिए ईमानदारी से काम करेगा? तो जब तक इस देश की, और दूसरा अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इन्होंने इस देश की शिक्षा को गैर कानूनी तरीके से, गैर संवैधानिक तरीके से निजी किया है, क्योंकि आर्टिकल 21A में संविधान के साफ साफ लिखा है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्वालिटी शिक्षा, समान शिक्षा और बेहतर शिक्षा देना इस देश की राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, और जो कि नहीं देते हैं। और दूसरा, इंग्लैंड में जो ब्रिटिश इस देश के ऊपर राज करके गया, वहाँ ब्रिटिश में भी जाओ, वहाँ पर बिल्कुल फ्री एजुकेशन है। वहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे जानकार रहते हैं जो बताते हैं बच्चों बिल्कुल फ्री एजुकेशन। और आज जो तुम पे रूल करके गया, तुमने उसकी बात तो कम से कम समझ लो, जो अच्छी चीज़ें वो तो ले लो, मगर आपको शर्म आनी चाहिए कि इस देश की शिक्षा को बेच रहे हैं, इसके राजनेताओं को, इनके लोगों को, कि शिक्षा को, और शिक्षा के आप बना रहे, एक दिल्ली सरकार आई है जो कि यहाँ पर शिक्षा की बिल्डिंगें बना रही हैं, स्कूलों में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रही हैं, लेकिन टीचर नहीं परमानेंट कर रहे हैं, टीचर परमानेंट नहीं भर्ती कर रहे हैं। हम अपने समय पर टेंटों में पढ़ते थे, मगर टीचर बहुत बेहतर थे, परमानेंट थे और क्वालिटी टीचर थे, जो पढ़ाते थे, विश्वास रखते थे पढ़ाने में। और आज लोग वहाँ पर बड़े बड़े, आज भी डेट में जज, बड़े बड़े वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, इस देश के बड़े बड़े IAS IPS जो उस समय के सरकारी स्कूल के पढ़े हुए, आज भी वहाँ पर पहुँचे, वहाँ पर बड़ी ऊंचाइयों पर छुए, वैज्ञानिक बने। तो ये सरकारी स्कूल को इस वजह से भी इन्होंने ख़राब किया, क्योंकि उसमें अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, जो गरीब तबका है इस देश का, वो वहाँ पर सरकारी स्कूलों में पढ़ रहा था। और इस वजह से इन्होंने आज जो मनुवाद की परिभाषा कर दी है, जो 15% लोग जो जातिगत थे, आज वो 15% लोग पैसे से, फाइनेंशियली जो मालदार है वही तो शिक्षा ले पाएगा। आज वो दूसरे तरीके के आधुनिक ब्राह्मण और वो क्षत्रिय वैश्य बन गए हैं, जो पैसा है वो अपने बच्चे को पढ़ा रहा है। और दूसरा, जो डिग्रियाँ फॉल्स, ये बड़ी बड़ी जो इंस्टीट्यूट बने हैं, ये पैसे लेकर के नकली डिग्रियाँ बाँट रहे हैं।
अभी इतने सारे केसेस हुए, अभी एक लेटेस्ट केस है जो दिल्ली विश्वविद्यालय में जो लड़का एबीवीपी का जीता प्रेसिडेंट पद का, उसका पता चला कि उसकी डिग्री जिस बेस पे उसने दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया वो डिग्री फॉल्स है, फर्जी डिग्री है। और पीछे एक दिल्ली सरकार का एक मंत्री पकड़ा गया नकली वकालत की डिग्री, और इस तरह से लेकर के काम कर रहे हैं। तो ये कौन दे रहा है? ये प्राइवेट लाला दे रहे हैं, जिनकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं उनके हाथ में है, जब मर्जी लिख करके जिसको पैसा लो और डिग्रियां बांट दो। तो इस देश का सत्यानाश हो रहा है, इस देश की शिक्षा जब तक बेहतर नहीं होगी, शिक्षा को तो पूरी तरह हम मांग कर रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि इस देश की सरकारें सोचें, संविधान के अनुसार इस देश की शिक्षा को पूर्णतः सरकारी किया जाए, फ्री शिक्षा, समान शिक्षा और बेहतर शिक्षा, तमाम A to Z, इसमें कोई जाति और धर्म नहीं होना चाहिए, 1 to All जो बाबा साहब ने लिखा है आर्टिकल 21A में संविधान के, 6 से 14 वर्ष के बच्चे को बिल्कुल फ्री शिक्षा देना, समान शिक्षा देना, बेहतर शिक्षा देना, ये राज्यों की सरकार की जिम्मेदारी है और उसको आप इसको करें। और इसको हम मुहिम भी चलाने वाले हैं, हम इसको लेकर के हम जनता में भी जाने वाले हैं कि भाई एक वक्त को रोटी ना मिले मगर जब तक आदमी को शिक्षा नहीं मिलेगी वो बेहतर इंसान कैसे बनेगा। और शिक्षा भी बेसिक शिक्षा चाहिए, वो नहीं चाहिए कॉमर्शियल एजुकेशन कि आप पहले जब बच्चे को आप भर्ती कराने जाता है तो उसका बाप सोचता है, माँ सोचती है कि ये बच्चे को मैं आप पब्लिक स्कूल में भर्ती कराऊँ जिसमें सबसे ज़्यादा फीस हो और ये डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, ये फलाना बनेगा, ढिकड़ा बनेगा, लेकिन उस बच्चे को जो उस बच्चे की योग्यता के आधार पर, उसकी शिक्षा के आधार पर वो खिलाड़ी बनना चाहता है, वो फिलोसोफर बनना चाहता है, वो लेखक बनना चाहता है, वो लीडर बनना चाहता है, उसकी कोई वो नहीं है, फोटोग्राफर बनना चाहता है, उसकी तरफ कोई नहीं देख रहा क्योंकि वो पैसा खर्चा कर रहे हैं तो समझते हैं कि हम इसके ऊपर पैसा लगा रहे हैं, ये एक व्यवसाय हो गया, हम अपने बच्चे पैसा खर्च कर रहे हैं, अच्छे स्कूल में भेज रहे हैं, अच्छे यूनिवर्सिटी में भेज रहे हैं, तो अब इसे बड़ा होकर के जब ये कुछ बनेगा तो हमारा पैसा रिटर्न करेगा, तो ये गिव एंड टेक वाली बात हो गई परिवारों में भी, तो हम इसकी घोर निंदा करते हैं और शिक्षा का निजीकरण तुरंत खत्म होना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है।